जंगल में रहने के लिए जानवरों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये जंगल अगर इनका घर है तो यहाँ पर रहना इनके लिए सबसे ज्यादा कठिन भी होता है। कौन सा जानवर कब इन पर अटैक कर दे इन्हें खुद पता नहीं होता। यहाँ तक के कई बार शिकारी जानवर भी दूसरे जानवरों का शिकार बन जाते हैं। कई बार जानवर अपनी जान बचाने के लिए भागता भी है, मगर हालात ऐसे हो जाते हैं जहां उसे मरना ही पड़ता है। अब जैसे कि इस वीडियो में देख लीजिए, जिसमें ये जंगली सुअर पूरी सिचुएशन में फंस चुका है। अगर ये सुअर आगे गया तो जंगली कुत्ते इसे बुरी तरह से मार डालेंगे, और अगर ये पानी में गया तो ये मगरमच्छ इसे नहीं छोड़ेगा। मतलब कि इसका मरना तो तय है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। दोस्तों, ज़ेब्रा जब नदी पार करते हैं तो उनके लिए ये करना काफी खतरनाक होता है। ऐसी हालत में किसी न किसी ज़ेब्रे की जान जानी तो लाजमी होती है। इस नदी के पानी में बहुत से मगरमच्छ घात लगाकर मौके की तलाश में रहते हैं, और जब इन्हें लगता है कि कोई आसान शिकार बन सकता है तो ये उसे जाने नहीं देते। जंगली कुत्तों का शिकार बनना शायद किसी भी जानवर के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक रहता है, क्योंकि ये कुत्ते किसी भी जानवर को मारे बिना उसे ऐसे खाते हैं ताकि वह तब तक जिंदा रहे जब तक कि ये उसकी आधे शरीर को खा नहीं जाते। बड़े जानवर के लिए ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल पल होता है, क्योंकि ये कुत्ते उसे खाने में ज्यादा समय लगाते हैं, जिसकी वजह से शिकार की जान काफी देर बाद जाती है। दोस्तों, तालाब पर पानी पीने के लिए आना किसी भी जानवर के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि ये जानवर मगरमच्छ के लिए काफी आसान शिकार बन जाते हैं। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर बार जीत मगरमच्छ की ही होती है। कई बार ये भी शिकार बन जाते हैं। शिकारी की कामयाबी उसकी ताकत और उसके मौके पर निर्भर करती है। सही तकनीक ना हो तो शिकारी भी शिकार बन जाता है। 2003 में एक ऐसी ही वीडियो में देखा गया कि अगर तकनीक सही हो तो शिकारी बड़े से बड़े शिकार पर भी भारी पड़ जाता है। जिस प्रकार ये चीता इस बड़े से मगरमच्छ पर भारी पड़ गया है। ये मगरमच्छ करीब 11 फुट लंबा है, मगर इस चीते ने इसे जकड़कर अपना शिकार बना ही लिया। चीते की दौड़ने की रफ्तार बहुत तेज होती है, मगर कई बार ऐसा भी होता है कि एक छोटा सा जानवर भी अपनी सही तकनीक के चलते बड़े शिकारी को धूल चटा देता है। दोस्तों, मगरमच्छ के लिए इलेक्ट्रिक ईल सबसे ज्यादा खतरनाक शिकार रहता है, क्योंकि एक छोटी सी इलेक्ट्रिक ईल ताकतवर मगरमच्छ पर भी भारी पड़ जाती है और उसे बिजली के झटके देकर मौत के घाट उतार देती है। इसका बिजली का झटका बर्दाश्त करना मगरमच्छ के बस की बात नहीं होती।
दोस्तों किसी भी जानवर चाहे वो शिकारी हो या फिर शिकार, जंगल में रहना किसी चैलेंज से कम नहीं है, मगर ये जंगल ही इनका कुदरती निवास है जहाँ पर रहना ये पसंद करते हैं। हमें जंगलों को बचाना चाहिए, कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए। दोस्तों आप इस बात से कितना सहमत हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।